अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज का क्वेश्चन की, तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपके अराउंड में जितनी भी टेक के प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं उनकी टोटल कितनी कंपनीज को आप लोग यूज़ कर रहे हो, यानी कि कितनी कंपनीज की प्रोडक्ट हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मेरा क्वेश्चन, यानी कि मेरे पास लैपटॉप HP का है, मेरे पास जो फ़ोन है वो एप्पल का है और Xiaomi का है। अगर मैं बात करता हूँ कैमरा की तो वो Canon का है। इस तरह टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी 8 कंपनीज बनती हैं। तो आप लोग सारी प्रोडक्ट्स को गिनकर उनकी कंपनीज को काउंट करके नीचे कमेंट करके किस कंपनी के आप लोग कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। आते हैं मेरी पहली टेक न्यूज़ की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की और काफ़ी यूज़फुल आ रही है, जो कि आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल ने और कुछ साइंटिस्ट ने आपस में मिलकर ये जो हमारे सुनामीज आते हैं और जो अर्थक्वेक्स आते हैं इनको डिटेक्ट करने का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका फाइंड आउट कर लिया है। अब बेसिकली जो समंदर के अंदर गूगल की सबमरीन केबल्स बिछी हुई हैं, जिनके थ्रू हमारे पास इंटरनेट आता है, जो फाइबर ऑप्टिक्स उन्होंने बिछाई हुई हैं, इनके साथ अब ये लोग अर्थक्वेक और सुनामी को फाइंड आउट वो कर सकते हैं। इन्होंने पूरा एक पेपर पब्लिश किया है जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके ऊपर 2013 से रिसर्च हो रही थी, लेकिन अब इन्होंने सक्सेसफुली इसको फाइंड आउट वो कर लिया हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है कि हमें एडवांस में थोड़ी सी इंडिकेशन मिल जाए करेगी कि अर्थक्वेक आ रहा है या फिर सुनामी आ रहा है। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक के मैसेंजर के अंदर अब हमें नया फीचर मिलेगा, जो कि होगा स्क्रीन के शेयर करने वाला फीचर, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है, आपके मोबाइल की स्क्रीन है, वो आप लोग जिनसे वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं उनको शेयर कर पाओगे। अब जब से जूम आया मार्केट के अंदर, जब से ये पूरा लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ है, फेसबुक अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जूम को किसी ना किसी तरीके के साथ बीट किया जा सके, क्योंकि फेसबुक को भी अब इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है कि जो ऑनलाइन कॉलिंग है ये आगे फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, और इस कैटेगरी के अंदर जो टॉप के ऊपर कंपनी है वो भाई जूम ही है। मुझे ये लगता है कि अगर फेसबुक या फिर ये जो पूरा इनका ग्रुप है व्हाट्सएप या फिर इनका यूट्यूब की भी पूरी जो इनकी कंपनी चल रही है, इनको जूम को बीट ना कर पाई तो ये जूम को बाय ही कर लेंगी, क्योंकि नॉर्मली यही करते हैं। फेसबुक ने पहले इंस्टाग्राम को बाय किया, व्हाट्सएप को बाय किया, अब देखते हैं कि ये जूम को बीट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। ओवरऑल जो कंपटीशन है उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स सारी चीज़ों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को मैंने एक अपडेट दी थी इसके, सैमसंग गैलेक्सी S20 का एक लाइट वेरियंट लॉन्च करने वाला। अब कहा यह जा रहा है एक लीकस्टर है, टिप्स्टर आप लोग उनको कह लें, ऐसी यूनिवर्स, उन्होंने कहा कि इसका नाम होगा गैलेक्सी S20 फैन एडिशन। अब इसके अंदर में कहा जा रहा है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कही जा रही है कि हो सकता है कि इसके अंदर हमें जो फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन मिले, जो पंच होल मिले, वो सेंटर के अंदर ना मिले, वो मे बी लेफ्ट साइड के ऊपर मिल जाए या फिर राइट साइड के ऊपर मिल जाए। लेकिन एक चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ कि सैमसंग को इसकी जो प्राइस रखनी चाहिए वो हमें ये ना हो के टच कर रही हो फ्लैगशिप लेवल के ऊपर भी। सैमसंग को थोड़ी सी अपनी प्राइजेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज है वो भी इस चीज़ को के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ आ रही है यूट्यूब के रिलेटेड। अब ये वाली जो न्यूज़ है इंडिया के रिलेटेड है, आप लोगों को मैंने अपडेट नहीं किया था इसके बारे में, मैंने सोचा चलो आपको अपडेट कर देता हूँ। जब से ये जो पूरा लॉकडाउन का सीन हुआ था इंडिया के अंदर, जो यूट्यूब वो लोग चला रहे थे वो 480p के ऊपर चला रहे थे, यानी कि 480p से ज़्यादा उनको ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था। अब ये वाला काम इसलिए किया गया था क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इंडिया के अंदर, जो यूट्यूब वगैरह के सर्वर थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा था। इसी के बारे में नेटफ्लिक्स वगैरह ने भी कहा था कि हम लोग क्वालिटी को डिक्रीज़ करें, और YouTube ने कर भी दी थी, लेकिन अभी दोबारा से वहां पर जो 1080p की वीडियो की क्वालिटी है उसको प्ले करने का ऑप्शन लोगों को मिल रहा है वाईफाई के ऊपर, सिर्फ अभी वाईफाई के ऊपर ही वो 1080p के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो उनको 480 के ऊपर ही देखनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी कोई ज़्यादा खास ट्रैफिक नहीं है कि जो यूट्यूब के सर्वर्स हैं उनको लोड बर्दाश्त करना पड़े, यहाँ पर तो 4K के अंदर भी चल रही हैं। उसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक की तरफ से, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी थी। यहाँ पर एक रोड मैप सामने आया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सैमसंग और मीडियाटेक के जो नेक्स्ट सीरीज़ के प्रोसेसर होंगे वो कब आएंगे। कहा यह कि स्नैपड्रैगन 875, स्नैपड्रैगन 735G और स्नैपड्रैगन 435G ये हमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो 875 है आई थिंक ये सैमसंग गैलेक्सी S21 के अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं मीडियाटेक की, तो कहा जा रहा है कि मीडियाटेक के जो डायमेंसिटी 600 और 400 के प्रोसेसर हैं ये हमें इसी साल के एंड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अब ये न्यूज़ मुझे इसलिए काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी थी कि जो स्मार्टफोन कंपनीज प्रोसेसर के ऊपर भी अब डेडिकेटली फोकस कर रही हैं, उनको पता चल गया हुआ है कि जो कंपटीशन है प्रोसेसर को लेकर, जो परफॉर्मेंस को लेकर लोगों की रिक्वायरमेंट है हर आने वाली नई किसी भी स्मार्टफोन की सीरीज के साथ वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की इंपोर्ट के रिलेटेड। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई, अब इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये जो पिछला एक साल गुजरा है, पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट किया गया उनकी अमाउंट के अंदर 81.3% का इजाफा हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं पैसों की,
1.39 बिलियन के ओवरऑल जो स्मार्टफोन्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किया गया। अगर हम लोग देखते हैं पिछला साल जो था 2018 से लेकर 2019 वाला, उस दौरान तकरीबन 755 मिलियन के स्मार्टफोन्स को पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किया गया था। अब इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, ये जो इंक्रीज़ हमें इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को थोड़ा सा रेगुलराइज कर दिया गया, जो भी स्मार्टफोन आ रहा होता है उसके ऊपर टैक्स पे हो रहा होता है और वो रजिस्टर भी हो रहा होता है, तो लोगों को पता चल रहा होता है, ये जो पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे होते हैं कि जो रेवेन्यू है और जो टोटल बिजनेस चल रहा है स्मार्टफोन्स को लेके वो कितना चल रहा है। उसके अलावा आज ही पीटीआई ने एक ट्वीट की थी जिसके अंदर वो लोग कह रहे थे कि जो मोबाइल फोन्स के ऊपर टैक्स लगता है वो पर मोबाइल लगता है, ना कि पर आईएमईआई नंबर लगता है। अब इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले अपडेट किया था कि मार्केट के अंदर स्कैम्स भी हो रहे हैं, वो लोगों को कह रहे थे कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर दो आईएमईआई नंबर हैं तो आप लोगों को डबल टैक्स पे करना पड़ रहा था। ये सीन बिल्कुल भी नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी आईएमईआई नंबर हों आप लोगों को सिर्फ एक ही टैक्स की अमाउंट पे करनी है। आपको ये है कि आपने दोनों को ही इंटर करना है सिस्टम के अंदर ताकि पीटीए एक फ़ोन के अंदर जितने भी आईएमईआई नंबर हैं उनको रजिस्टर वो कर दे। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है हुआवे और यूएस की वार को लेके। अब सीन ये चल रहा है कि यूएस ने कह दिया है कि वो सारी कंपनीज जो कि हुआवे के साथ काम कर रही हैं उनके ऊपर भी हम लोग पाबंदी लगा देंगे, वो हुआवे से जो बिज़नेस कर रही हैं, जो इक्विपमेंट बाय कर रही हैं उनको बाय ना करें। इसके रिजल्ट के अंदर कहा यह जा रहा है कि 800 जापानीज़ कंपनीज हैं जो कि इफ़ेक्ट हो सकती हैं, और कंपनीज इस वक्त क्या कर रही हैं कि वो मोस्टली हुआवे को ही छोड़ रही हैं और सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं वो यूएस की तरफ उनका जो एक रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, वो हुआवे को छोड़कर यूएस को चूज़ कर रही है। और मुझे ये लगता है कि एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि जो यूएस के अंदर उनके जो डिसीजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदलते भी रहते हैं, लेकिन 800 जापानीज़ कंपनीज, उसके अलावा जो हुआवे के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके इफेक्ट हो रहे हैं। मीडिया टेक ने अभी रिसेंटली कह दिया होता कि हम लोग हुआवे के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन हुआवे की जो सेल्स हैं इस पूरे लॉकडाउन के अंदर सैमसंग को भी हुआवे पीछे छोड़ गया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इनकी वॉर चल रही है ये कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही न्यूज़ आ रही थी। नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोग टोटल कितनी कंपनीज की प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिए, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।